तो गाइस आप पूछ रहे हो क्यू एन ए वीडियो, मैंने क्यू एन ए वीडियो बना दिया है, लेकिन आप अभी तक कमेंट कर रहे हो भैया क्यू एन ए वीडियो बनाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो बोलो और मैं ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ऑलरेडी क्यू एन ए वीडियो बना चुका हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैंने सेकंड चैनल पे बनाया था, लेकिन अब मैं इस पे भी बनाऊंगा क्योंकि आपने बोला है। नहीं बोलता तो भी बनाता क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है वीडियो में आपसे बातें क्या करूं, इसलिए यही सही मौका है इसे ही क्यू एन ए वीडियो बनाने का। चलो मुझे जो जो क्वेश्चन याद आएंगे मैं उसे ही बोलूंगा। हाँ, मुझे सबसे पहले टूथपेस्ट का कमेंट याद आया। एक हमारे प्रो प्लेयर हैं जो कि हमेशा हमसे टूथपेस्ट के ही बारे में पूछते हैं, और इसका एक कमेंट नहीं है, बहुत सारा है। भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई क्या आपके टूथपेस्ट में लेमन है? भाई क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है? अभी यही नहीं खत्म हुआ है, अभी और भी है लेकिन मैं भूल गया। अब मैं भाई से कहना चाहता हूँ, भाई थैंक यू, आपने मुझे बहुत हंसाया, लेकिन अब नहीं हंसाना। मतलब कि आम इमली जो मिल रहा है सब, यहाँ तक कि भाई क्या आपके टूथपेस्ट में डिटर्जेंट है, यही सब बाकी रह गया। अब कोई बात नहीं, वैसे आपका कमेंट बहुत अच्छा था, इसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मत करना, नहीं तो मैं ऊपर चले जाऊंगा। और अभी तक मैंने आपको टूथपेस्ट वाला सवाल का जवाब नहीं दिया। चलो आपने जितना चीज बोला वो सब है, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप अमेजिंग हो। हाँ, मुझे अभी और एक सवाल याद आया। ये कोई सवाल है क्या? भाई ने पूछा था, भाई आपका शादी हो गया है क्या? रुको, आप एक बार ये साउंड चेक करें। सुन रहे हो? यही हाल हो गया है मेरा। मतलब ये कोई सवाल है क्या? क्योंकि मेरे ऑडियंस मुझे बोलते हैं आपका आवाज बच्चे जैसा है, और आपने डायरेक्ट शादी की बातें कर दिया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं बच्चा तो नहीं हूँ, बच्चा मत कहना। वैसे मैं ये डायलॉग बोल देता हूँ क्योंकि मैंने शिवा कार्टून देखा है, बच्चा मत कहना आंटी, रोशन नाम है मेरा, रोशन। और मैंने अंकल नहीं बोल के आंटी बोला, पता है क्यों? क्योंकि मेरे हिंदी सब्जेक्ट वाली मैम ने बोला था, ए बच्चे तुम खड़े हो जाओ, लेकिन उन्होंने बच्चा क्यों बोला, मेरा नाम रोशन है, रोशन। चलो आपको भी बता देता हूँ, मैं क्लास 11 में जाने वाला हूँ, मेरे आवाज से मुझे सब कोई बच्चे समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तीसरा सवाल, ये सवाल सही है ना, क्या आपका गर्लफ्रेंड है? हाँ, नहीं है, अगर होता तो मैं आपसे इतना बातें करता। इसलिए गाइस मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वीडियो को लाइक करो और मेरे क्यूट आर्मी दोबारा ऐसा सवाल मत करना, क्योंकि मुझे लगता है वो कमेंट जिसने भी किया होगा उसका तो पक्का होगा। और एक बात बोलूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन क्यूट आर्मी की सुपर पावर तो है। वैसे मैं आपको इतना टाइम दे देता हूँ कि दोस्त से भी अच्छे से बात नहीं होता है, तो गर्लफ्रेंड तो ऐसे ही चले जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपका कमेंट को देख के। मतलब आपका कमेंट को रीड करके लगता ही नहीं आप कहीं दूर से हो, ऐसा लगता है आप मेरे बगल में हो। और हमारा पेंटिंग भी कितना अच्छा बन रहा है आपसे बातें करते करते। और मैंने इस पेंटिंग को इसलिए अच्छा बोला क्योंकि मुझे पेंटिंग करना नहीं आता है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने का। अगर आपको ये पेंटिंग अच्छा लग रहा है तो ये भी आपके ही वजह से हुआ है, क्योंकि आपका सपोर्ट इतना ज्यादा था, भैया ऐसे करो ठीक हो जाएगा, भैया वैसे करो ठीक हो जाएगा, और मैंने वैसा ही किया। क्यूट आर्मी दिल से थैंक यू सो मच। चलो अब हमारा पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, इस टेप को हटाने में इतना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको कोई अदर साउंड सुनाई दे रहा हो तो प्लीज उसे स्किप करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो कंप्लीट हो गया अब।